जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, पीटी के लिए जो सामान्य जागरूकता 10 नंबर का आना है उसका आपको बता दूं, ये लास्ट पार्ट लेके आया हूं। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा आपको बता दूं उसमें क्या क्या हो चुका है, आपको पूरा स्क्रीन पूरा मैप के द्वारा हर चीज़ें बताई गई हैं। तो आप जो प्रीवियस पार्ट 2 पढ़े हुए उनको देख लें, आज ये 3 पार्ट में कम्प्लीट कराना है। सब कुछ मैं जो है 3 पार्ट में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप पूरा सीरीज देख लेते तो आपको बता दूँ आपकी ये सामान्य जागरूकता वाली समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। प्यारे साथियों, ये आप स्क्रिप्ट देखिए, दिवस वगैरह सब कुछ कितना सिस्टमेटिक ढंग से बताए गए हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना। देखिए, मैप के थ्रू हर चीज़ें आपको बताई गई हैं। और यदि आप ये सेशन देख लेते हैं प्यारे साथियों, बहुत आसानी से पूरी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। प्यारे साथियों, बने रहें। देखिए, कितने ढेर सारे गीत संगीत से संबंधित क्वेश्चन हैं और भी सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। और आज हमारा सेशन क्या है तो उसको भी देख लें कि आज हम क्या, तो आज हम भारतीयों विश्व में के खेल से संबंधित जनरल अवेयरनेस देखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। तो नेक्स्ट सेशन हमारा आज भारत एवं विश्व भूगोल यानी के खेल यानी स्पोर्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि विश्व के खेल तथा भारत के खेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्या है इसमें, उनमें से संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियों के बारे में जानेंगे। देखिए, हॉकी का टक हॉकी के कप से संबंध रंगा स्वामी और आगा खां कप, ये दोनों और ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये 3-4 तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और कभी कभार जो है इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी आता है, तो इसको भी ध्यान देना। लेकिन जिस चीज़ पर मैंने पहले देखा, रंगा स्वामी, आगा खां और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, इनको याद करके रखना है। अब चलते हैं हॉकी के बाद आता है फुटबॉल। फुटबॉल में आप जानते हैं डूरंड कप, तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछेगा डूरंड कप हुआ या रोवर्स कप कह सकते हो या संतोष, इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही हैं तो इसमें काटने लायक कुछ नहीं। तो मडेका कप, ये चारों प्रायः पूछे जाते हैं तो उनको भी ध्यानपूर्वक आपको याद। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब क्रिकेट से देखिए, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी यानी राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसके नाम है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें पहले से उनको याद होगी। और देवधर ट्रॉफी, इसमें सब इम्पॉर्टेंट ही दिए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको या हमको। तो सबको आपको ध्यान, वीडियो 2 बार यदि वॉच कर लेते हैं तो वास्तव में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। टेबल टेनिस क्या है, तो जय लक्ष्मी कप। टेबल टेनिस से जय लक्ष्मी कप आप अभी बात हो चुकी है, राजकुमारी चैनल चैलेंज कप और रामानुजन ट्रॉफी, ये जूनियर पुरुष ट्रॉफी है, टेबल टेनिस का बहुत कम आता है। बैडमिंटन का एक नारंग कप और चड्डा कप, ये ही दो जो है अक्सर आते रहते हैं, तो नारंग और चड्डा दोनों याद करके रखना है। बास्केटबॉल नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये जो है बास्केटबॉल के क्षेत्र में, जबकि पोलो में आपको पोलो कभी जल्दी आता नहीं, लेकिन पृथ्वीराज सिंह कप को आपको याद करना, और कोई ज़रूरत याद करने की है नहीं। और वहीं गोल्फ के लिए, गोल्फ के लिए क्या है, सर्किट कप और राइडर कप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सर्किट कप और राइडर कप। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, खेल खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या, खेल और खिलाड़ियों की संख्या। देखिए, बेसबॉल कितना, तो आप बताओ, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जबकि फुटबॉल में कितने, 11, जबकि रग्बी फुटबॉल में कितने, 15 होते हैं। फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में कितने, आप बताओ, 15 होते हैं। पोलो में 4, जबकि वाटर पोलो में, वाटर में शब्द 3 जुड़ा तो उसमें 3 नंबर भी जुड़े। खो खो में कितने, तो आप बताओ, 9। कबड्डी में कितने, कबड्डी देखिए 7 लोग पकड़ते हैं तो 7 होते हैं कबड्डी के, कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं, 7 होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी, आप बताओ, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में कितने, आप बताओगे, 11 खिलाड़ी। नेटबॉल में कितने, 7। वॉलीबॉल में कितने, 6। टेनिस, टेबल टेनिस में कितने, तो 1 या 2 होते हैं, जबकि बास्केटबॉल में कितने होते हैं, देखिए बास्केटबॉल आपको याद करके रखना है, कितने, 5 होते हैं। जिमनास्टिक में कितने, 8 होते हैं। चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं, बने रहें प्यारे साथियों। अब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देख लेते हैं। देखिए, 13वां विश्व क्रिकेट कप कहाँ पर, तो 2023 में भारत में मनाया गया, भारत में हुआ, मेजबान देश। 22वां जो है फीफा, आप बताएंगे कहाँ, 22वां फीफा, तो आप बताओगे कतर में, कतर में हुआ। जबकि 32वां ओलंपिक खेल 2020 में जो हुआ था, अब जो 2024 में होगा। और 33वां देखिए 2024 में कहाँ, पेरिस में हो रहा है, तो हर 4 वर्षों पे खेल होते हैं। और वहीं 38वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाए, तो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, तो बताओ उत्तराखंड में हुआ था 2022 में।
अब 29वां राष्ट्रीय खेल कहाँ, 23 में, अब बताओ मेघालय में भारत में हुआ राष्ट्रीय खेल। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, तो बताओ यूनान में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो 1996 में किया गया था। ओलंपिक खेल के रिंग में कौन कौन से कलर, नीला, पीले, काले, हरे और लाल कलर, है पांच कलर के रिंग होते हैं। पांचों कलर पांचों महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक जंट में रिंग कितने, देखिए अभी बात हो चुकी है, तो पांच होते हैं, पांचों जो है पांच कलर और पांचों महाद्वीप को ये इंडिकेट करते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुआ था, तो बताइए एथेंस यूनान में हुआ था। ओलंपिक खेल के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने, माइकल फेल्प ने सबसे अधिक जो है स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में मिला था, तो हॉकी, और जब से आज़ाद हुआ तब से हॉकी क्या किसी खेल में जल्दी हम जीत नहीं पाए, हॉकी में तो जीत ही नहीं पाए, तो ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, केडी जाधव क्या थे, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, कणम मल्लेश्री, किसी भी उसमें जो है कणम मल्लेश्री पहली महिला थी। चलते हैं ओलंपिक ग्रीष्मकालीन मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा, तो टोक्यो हो गया। चलते हैं खेल को रियो डिनेजियो से 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया, तो गोल्फ को 100 साल के बाद जो है शामिल किया गया गोल्फ को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, रियो ओलंपिक भारत के लिए पहला पदक जीता किसने, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में पहला पदक जीता था। दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कप 1956 में खेले गए थे दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आयोजित ओलंपिक खेलों के 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकेंड्स के कांस्य पदक चूक गई, तो 1984 में देखिए कितना 0.01 सेकेंड से हारी थी, यानी कि हार जीत का देखिए मुकाबला पॉइंट से होता है। 1930 प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था, तो कनाडा में हुआ था प्रथम 1930 में जो आयोजन किया गया था। खेल के संदर्भ में यस एजी का पूर्ण रूप से साउथ एशियन गेम्स होता है। एशियाई खेलों में किस खेल में भारत में अधिकतम स्वर्ण पदक जीता, तो एथलेटिक्स में जो है भारत प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है, तो कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है, तो ब्रिज है। लोना किस खेल से संबंधित, लोना जो है कबड्डी से है। कबड्डी की टीम के खिलाड़ी की संख्या कितनी है, बताओ 7 होती है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे, तो होता है हॉकी से है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे, तो होता है हॉकी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी जिसे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। वह प्रथम वर्ष जिस वर्ष भारत में हॉकी विश्व कप जीता था, वर्ष 1975 में हॉकी का जीता, जबकि रोल इन शब्द किससे संबंधित, तो बताओ हॉकी से रोल इन कब संबंधित था। बुरी शब्द का प्रयोग किससे, तो बताओ बुरी शब्द का प्रयोग जो था हॉकी के लिए किया था। बुरी शब्द यानी शब्दावलियाँ, खेल शब्दावलियाँ भी पूछे हैं, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखते रहना आपको। चलते हैं बेटन कप, तो बेटन कप हॉकी से, जबकि सुल्तान जोहोर कप किससे बताओगे, तो सुल्तान जोहोर कप भी किससे, तो हॉकी से। रेडी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, तो बताओ हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप किससे, तो हॉकी से। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो है हॉकी मैदान कहाँ पर है, तो आप बताओगे स्टेडियम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान किसी भी मामले में तो भी आगे है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से, तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, तो 1877 में। T20 विश्व कप जीतने, तो भारत ने सबसे पहले T20 विश्व कप जीता था। 2016 में ICC वर्ल्ड कप T20 खिताब किसने जीता, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था T20। चलते हैं किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता, तो वेस्ट इंडीज ने प्रथम विश्व कप जीता था। जबकि पूछा जाए इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, क्रिकेट होता है। BCCI की संरचना में कार्य प्रणाली में लोढ़ा समिति ने जो है परिवर्तन करने की क्या की थी, सिफारिश किया था। लोढ़ा समिति किससे संबंधित, तो बताओगे BCCI के कार्य संरचना से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, दुबई में जो है ICC का मुख्यालय है। जबकि बेंड योर बैंक वाक्यांश के प्रयोग के लिए किस खेल के लिए किया जाता, तो बताओगे क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाता है। शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शब्दावलियों को ध्यानपूर्वक देखना, जो खेलते हैं उनके लिए तो शब्दावलियाँ एक प्रकार की केक हैं, लेकिन जो खेल नहीं खेलते उनको तो याद करना पड़ेगा। विजय हजारे जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी किससे, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। जबकि इंडियन प्रीमियर लीग जो है कब शुरुआत, 2008 में किया गया था, पहली बार हुआ था। प्रथम श्रेणी की क्रिकेट
में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम भाग लिया था? छक्के लगाए तो रवि शास्त्री ने लगाए थे। हरियाणा हरकेर के नाम से किसे, तो आप बताओगे कपिल देव को हरियाणा हरकेर के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का मक्का या क्रिकेट का जन्म स्थान किसे, तो बताओगे इंग्लैंड को कहा जाता है। 1901 विश्व कप आयोजित कहाँ पर किया गया, तो बताओगे इंग्लैंड में पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का वाले पहले भारतीय अध्यक्ष हो, तो विजय नगरम बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बने थे। पहले दो विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम क्या थी, तो वेस्टइंडीज पहली टीम थी। चलते नेक्स्ट देखते हैं, प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ, आपको एक एक चीज़ें इसमें फायदेमंद ही मिलेंगे और कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। बारावाती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है, तो बताओगे उड़ीसा में बारावाती है। किसी भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन से, तो वाईचुंग भोटिया का नाम आपने फुटबॉल के क्षेत्र में माना जाना नाम है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय तो ज्यूरिख में है। चलते हैं, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किससे, रोवर्स कप आप जानते हो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी किससे, फुटबॉल से संबंधित। फीफा का फुटबॉल क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल है इसका फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, का पहला मेजबान देश का, तो उरुग्वे पहला मेजबान देश था। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा है, तो फुटबॉल के साथ। आधिकारिक तौर पर गोवा राज्य का खेल क्या है, तो बताओ फुटबॉल गोवा का राजकीय खेल है। फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता, तो मोहन बागान ने सबसे अधिक बार जीता था। नेक्स्ट है, 1980 में ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल तो टीम सोई किंग को ने जीता था। चलते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी, तो पीवी सिंधु पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। उबेर कप किससे, तो बैडमिंटन से। थामन कप थॉमस कप, तो बताओ कि थॉमस कप भी किससे, बैडमिंटन से। ड्यूस का संबंध किससे, तो ड्यूस आप बताओ कि बैडमिंटन से संबंधित है। ये शब्दावलियाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित, तो आप बताओ गोल्फ से। जबकि वर्डी शब्द किससे संबंधित, गोल्फ से संबंधित। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से, तो जीव मिल्खा सिंह आप बताएंगे ये जो है गोल्फ से संबंधित है, जबकि मिल्खा सिंह धावक है। राइडर कप किससे, तो बताओ गोल्फ से। भारत में उत्पन्न हुआ खेल शतरंज है। स्मैशर किससे, तो बताओ वॉलीबॉल से संबंधित है स्मैशर। चलते हैं, डबल फॉल किससे, तो बताओ टेनिस से। और टेनिस के एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट होते, तो बताओ चार होते हैं। पहली विंबलडन चैंपियनशिप 1877 में आयोजित की गई थी। हाफ माइन कप, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। वही पूछा जाए, स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय रामनाथन कृष्णन थे। ब्रीडर शब्द का संबंध किससे, तो होता है बॉक्सिंग से संबंधित है। चीन का राज्य, देखिए स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है और कम समय में, और पेपर भी ज़्यादा समय नहीं है यूपीपीटी का, इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ कि चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल मिल सके, इसीलिए सुपर फास्ट रिविजन है आपका। एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियाँ करते हैं और ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे के विभिन्न मुद्राएँ दर्शाते हैं, तो मलखंब है। किस खेल के साथ क्वार्क्स शब्द जुड़ा है, तो नौका खेल दौड़ के साथ क्वार्क्स खेल जुड़ा है। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से, घोड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आप बताओगे बेसबॉल है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, अब भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चे जो है गलतियाँ भी करते हैं, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखना है। तो क्वेश्चन वन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो जोधपुर में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 1882 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत भवन नामक बहुकला केंद्र उद्घाटन किया, वह केंद्र किस भारतीय शहर में, तो बताओ भोपाल राज्य में स्थित है। भोपाल किस, भोपाल शहर में, राज्य नहीं, और राज्य किस में, तो मध्य प्रदेश में। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय आप बताओ बेंगलुरु में है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे साथियों वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, ध्यानपूर्वक देखते रहना है। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय आप बताओगे पुणे में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आप बताओगे दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय या आर्टिलरी आप बताओ देवलाली में है। मत्स्य महाविद्यालय अनुसंधान संस्थान तो तूतुकुड़ी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री था, और दो हैं भारतीय और मैत्री, यानी टोटल तीन है। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, इसका भी कोलकाता में स्थित है टी बोर्ड। और भी मुख्यालय वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं वह शहर जहां त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित, तो बताओगे हैदराबाद में स्थित है। जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका भी उत्तर आप क्या बताएंगे देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर, पक्षी शोध संस्थान तो इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये बताएंगे आप नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर, तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान तो करनाल में है, और डेयरी अनुसंधान संस्थान वो भी करनाल हरियाणा में ही है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विज्ञानी प्राकृतिक अनुसंधान कहाँ पर, तो कोयम्बटूर में है। चलते हैं और ये पक्षी अभ्यारण कहाँ जाएगा, तो पक्षी अभ्यारण गोवा में है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली कहाँ पर, तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जम्मू कश्मीर में है। विज्ञान भारतीय विज्ञान संस्थान का कहाँ पर, तो बताओगे नई दिल्ली में है। मौसम वेधशाला कहाँ, तो पूना में जो है मौसम वेधशाला स्थित है। चलते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर, देहरादून में है। बाबा परमार तो ट्रांबे में है, बाबा परमार अनुसंधान केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आप बताएंगे नई दिल्ली में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र तो बताओगे बेंगलुरु में है। वही कहा जाए भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर, तो देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। दलहन आप बताओगे कानपुर दलहन संस्थान। चावल केंद्रीय चावल तो आप बताओगे कहाँ से केंद्रीय, कहाँ से कटक, और चावल आप करते तो कट कट बोलता है कच्चा चावल को। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। जबकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कहाँ पर, शिमला में कुफरी जगह पर है। भारतीय खगोल संस्थान आप बताओगे बेंगलुरु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यार साथियों। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखक भी इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके सिलेबस में भी है, वही सिलेबस में लेके चल रहा हूँ पूरा सिलेबस है। कौटिल्य अर्थशास्त्र आप बताओ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और कौटिल्य ने क्या अर्थशास्त्र, कौटिल्य को क्या विष्णु गुप्त के नाम से, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा आप बताओ पंचतंत्र, कालिदास भारत का शेक्सपियर, अभिगान संति शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। कल्लड़ ने क्या लिखा तो राज त्रंगड़ी की, किसकी तो बताओ कल्लड़ की है। वेदव्यास की क्या तो महाभारत है, जबकि वाल्मीकि क्या है तो रामायण है। वाण भट्ट किसकी तो हरिचरित की है, हरिचरित। फिरदौसी ने क्या लिखा था तो बताओगे शाहनामा फिरदौसी ने, जबकि अबुल फजल ने जो है आयने अकबरी अकबरनामा। गुलबदम बेगम जो है हुमायूं की चचेरी बहन थी। अलवरू ने किताबुल हिंद, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी तो बताओगे गीतांजलि पुस्तक का लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट देखते पैसा थे। प्रेमचंद का तो बहुत फेमस है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन, ये सब मल्टीपल टाइम रिपीटेड। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू की क्या है तो बताओ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जित कहे तो आप मेघनाथ देसाई बताएंगे। अरस्तु का द पॉलिटिक्स है। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन स्पीसीज है। शेक्सपियर का क्या है तो शेक्सपियर का एज यू लाइफ इट, या रोमियो एंड जूलियट किसकी है तो शेक्सपियर की है। और द पॉलिटिक्स आपको अरस्तु की याद करके रखना है। किताबुल हिंद किसकी तो आप बताओगे अलबरूनी की है। चलते अब देखते हैं अन्य कुछ पुस्तक। रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार भानुदत्त हैं, जबकि सरपेंट इन द रोग नामक उपन्यास किसने लिखा था, राजा राव ने लिखा था सरपेंट ऑफ द रोग। देवदास के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जबकि मधुशाला जब जहाँ साला वाला दक्षल गया वो हंस राय बच्चन, ये किसके पिताजी थे तो आप बताओगे अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मकथा कार्य है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में है, तो बीजा की प्रतीक्षा जो है कोलंबिया में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में शामिल किया गया है, ये अम्बेडकर जी ने लिखा था।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखी गई, तो डॉक्टर ए बी जे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके, तो आप बताओ अमृत सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगड़ी कृति किसकी, तो कल्लड़ द्वारा जो है रचित कृति है। मिड नाइट चिल्ड्रन उपन्यास किसके द्वारा लिखी, सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। फ्लाइंग प्लेइंग इट्स माई वे, तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है, तो काबुलीवाला के लेखक आप बताओगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने लिखा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब। अच्छा यानी कि नवाजा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने सरोजिनी नायडू कहा था, तो आप बताओ महात्मा गांधी ने। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द नेम से किसकी पुस्तक है, तो झुंपा लाहिड़ी की है। द लोलैंड नामक लेख किसने लिखा था, झुंपा लाहिड़ी ने लिखा था। इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज के, तो झुंपा लाहिड़ी जो है लेखक हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। मालगुड़ी डेज किसके, तो बताओ आर के नारायण हैं। जबकि चोखेर बाली के लेखक कौन, तो बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई हैं। चलते हैं द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक आप बताओगे सरोजिनी नायडू हैं। जबकि द सीक्रेट ऑफ नागास पुस्तक के लेखक आप बताओ अमित त्रिपाठी हैं। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन, अरुंधति राय बहुत फेमस जो है लेखक हैं। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है, तो आप बताओगे सोनिया गांधी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इग्नाइटेड माइंड किसकी, तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं ए पी जे अब्दुल कलाम है। ए सूटेबल बॉय किसके, विक्रम सेठ के हैं। जबकि हाफ गर्लफ्रेंड किसकी, तो चेतन भगत की है। चलते हैं नेक्स्ट है 5.1 व्हाट नॉट टू डू एट IIT नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चेतन भगत ने लिखा था। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत ने ही लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इंडिया 2020 आ विजन फॉर न्यू मिलेनियम के लेखक कौन, तो ए बी जे अब्दुल कलाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन, तो जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के, तो बताओ अरुंधति राय हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अनटचेबल पुस्तक किसने लिखा, तो मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल पुस्तक लिखा था। स्वामी विवेकानंद द बेस्ट डिक्शनरी नामक पुस्तक मेरी लुईस बर्क ने लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पुस्तक को लिखा था। आर्कटिक होम द वेदांत, तो बताओ इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 2018 में आ सेंचुरी इज इट इनफ लेखक किसके, सरोजिनी सौरभ गांगुली ने लिखा थी। इंडिया इज माई ड्रीम नामक पुस्तक किसने, महात्मा गांधी ने लिखी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने, किसके भाषणों का लेख का संग्रह, तो महात्मा गांधी के। हिस्ट्री ऑफ द सिख खुशवंत सिंह ने लिखा था। ये भारतीय लेखक टू लाइफ्स विक्रम सेठ की है। जबकि इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन, शशि थरूर हैं। द बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है, तो आप बताओगे बी आर अम्बेडकर बुद्धा इन धम। द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन, सरोजिनी नायडू को देखिए। द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक, तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। जबकि द मैन ईटर आप मालगुड़ी, तो आप बताओ आर के या मालगुड़ी डेज के, तो बताओ आर के नारायण है। गोदान गबन चंद रंगभूमि ये सबके मुंशी प्रेमचंद। ऐसे जान गीता के लेखक, ऐसे जान गीता के लेखक अरबिंदो घोष हैं। 5.1 के लेखक आप बताओगे चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड के भी चेतन। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा क्या है, द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। द पुस्तक जजमेंट इन साइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कुलदीप नायर हैं। इमरजेंसी जो लगी थी इंदिरा गांधी के समय उस पुस्तक के लेखक आप बताओगे तो कुलदीप नायर हैं। चलते हैं और भी जितनी पुस्तकें उनको देख लेते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म के लिए की लघु कथा पर आधारित है, तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है शतरंज की।
वार एंड पीस तो बताओ लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम है, वार एंड पीस है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक अरुंधति नायक राय की पुस्तक है। जबकि भगवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किसने, चार्ल्स बिकलिंग्स ने जो है किया था। द थ्री मार्केटियर्स की पुस्तक एलेक्जेंडर ड्यूमास है, थ्री मार्केटियर्स के लेखक। ऑल अबाउट वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा किसकी, तो दलाई लामा की आत्मकथा क्या है, फ्रीडम इन एग्जाइल है। द ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रस्किन बांड ने लिखा था। रॉबिन्सन क्रूसो किसके पन्ना, तो डेनियल डेफा ने लिखा था। नेल्सन मंडेला किसकी तो बताओ की पुस्तक का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, नेल्सन मंडेला की पुस्तक का। गॉन विद द विंड पुस्तक मार्गरेट मिशेल है। द 12 ईयर स्लेव के लेखक हैं, आप बताओगे सोलोमन नॉर्थप पायरेट हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। एज यू लाइक नामक पुस्तक किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म की पुस्तक के लेखक बेनजीर भुट्टो हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखा था, तो जेके रोलिंग ने लिखी थी। जबकि द अरेबियन नाइट पुस्तक किसने लिखा, तो रिचर्ड बर्टन ने लिखा था। रोमियो जूलियट पुस्तक किसने, तो विलियम शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट पुस्तक लिखा था। द डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो की पुस्तक है, द डॉटर ऑफ ईस्ट। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टल, इस पर मूवी भी बन चुकी है। द आर्गुमेंटेटिव इंडिया पुस्तक है, तो अमृत सेन की पुस्तक है। इंटरेस्ट ऑफ फ्लोरेंस की पुस्तक सलमान रुश्दी ने इंटरेस्ट ऑफ फ्लोरेंस लिखा था। एक प्रसिद्ध उक्ति आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स की पुस्तक है। लेकिन पुस्तकों क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जो ना रहो स्क्रीन शॉट लें या कापी में जरूर नोट करते रहें। पुस्तक के लेखक लियो टॉलस्टॉय, युद्ध और शांति के लेखक जो हैं लियो टॉलस्टॉय। एंजल एंड डेमन्स पुस्तक के लेखक होता है डैन ब्राउन है। द ग्रेट गर्ल्स बॉय किसके होता है, एप स्काउट फिट्ज़गेराल्ड हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा। अब पुस्तक एवं विजेता के बारे में, पुरस्कार एवं विजेता से क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देख लेते हैं। बस एक एक चीज़ आपको ध्यानपूर्वक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को सबसे पहले मिला था 1969 में मिला था, और उसके बाद वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में, पृथ्वीराज कपूर को क्या 1971 में मिला था। चलते हैं पंकज मलिक पंकज मलिक को कब 1972 में, मनोज कुमार को 2015 में, जबकि विनोद खन्ना को 2017 में, और काशीनाथ धुनी विश्वनाथ को 2016 में। इसमें लास्ट में आपको याद कर लेना रजनीकांत को जो है सबसे लेटेस्ट दिया गया था, 19 के में दिया गया था, और अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था। चलते हैं इसके बाद अभी तक कहीं से भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं। तीन लोगों को दिया गया था पहली बार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट नंबर को 1954 में पहली बार दिया गया था। और इसमें देख ली, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, इंदिरा गांधी किस में देख लीजिए, इंदिरा गांधी को 1971 में। और ये पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार, सीमांत गांधी को पहले विदेशी थे 1987 में दिया गया था। और दूसरे विदेशी कौन है, देखिए सचिन तेंदुलकर को ये बहुत ज़्यादा हुआ था, सबसे कम उम्र में पाए जाने वाले। और चिंतामण नागेश चंद्र को इनके साथ दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, जबकि 2000 प्रणब मुखर्जी, नाना साहब देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया था लेटेस्ट। उसके बाद भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया अभी तक। ज्ञान पुरस्कार पाने वाले पहले सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप क्या थे, पहले व्यक्ति थे, उनकी कृति थी आडा खुजाई थी। और आप इसमें देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए ये पूछा जाता है, तो 1968 में चितंबरा के हिंदी के लिए दिया गया था। जबकि रामधारी सिंह दिनकर वाला पूछा जाता है किसे, उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपुर पुरस्कार। शंख घोष बांग्ला साहित्य इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया था। अमिताभ घोष में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था। चलते हैं अवकिंद अच्युतन नमूदरी 2019 को मलयालम के लिए दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा थे, और उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें देखिए पहला विश्वनाथन आनंद को पहली बार कब शतरंज के लिए 1991-92 में दिया गया था। अब गीत सेठ किससे, देखिए गीत सेठ का पूछा था बिलियर्ड से संबंधित है, ये चीज़ आता है इसमें 1992-93 में। होमी डी मोतीलाल एवं पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को नौकायन के लिए 1993 में। और देखिए आप देखना चाहें तो देखिए सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए 2015 में, पी वी संधु बैडमिंटन के लिए 2016 में। और एक चीज़ देखिए
फर्स्ट आपको जरूर याद कर लेना है जो राज जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, किस पर? आनंद को शतरंज, विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। ये चीज़ें आपको जरूर याद करके रखना है। अब देखिए देवेंद्र झझरिया को 17 में, लेकिन अब इसमें लेटेस्ट देखिए जो है वही आपको याद करना है। अब 2020 से अभी तक इसमें नहीं दिया गया, राजा रानी रामपाल को हॉकी में 2020 में दिया गया था, विनेश फोगाट को 20 में। अब जल्दी में किसी दिया नहीं तो जल्दी पूछे जाने कोई संभावना नहीं है। भालचंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के लिए 1985 में दिया गया था, जबकि देखिए अब इसमें आप देख लीजिए लेटेस्ट जो होगा वही आपको याद करना है। 2020 में किसको? गौरव खन्ना को, कई लोग देखे, कई लोगों ने ओम प्रकाश दहिया को, ये इनमें से आपको लेटेस्ट याद कर लेना है और ज़्यादा याद करने की जरूरत है 20 में, उसके बाद अभी तक किसी नहीं दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी क्या थी, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आप बताओगे? सी वी रमन थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय व्यंकट रमन थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ये चीज़ याद करके रखना है। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ़ज़ई को एक संयुक्त रूप से दिया गया था। वर्ष 1915 में वैज्ञानिक ने प्रथम क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया रिचर्ड ब्लेस्टर ने। अमरत सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए? मदर टेरेसा, जो प्रथम महिला जो थी जिनको पहली बार पुरस्कार मिला था, प्रथम महिला भारतीय नागरिकता था लेकिन ये थे स्विडिश थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अमेरिकी कौन थे? तो थियोडोर रूजवेल्ट थे, ये याद करके रखना। पहले व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको वैज्ञानिक भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र पर किसे? तो अरविंद गोविंद खुराना को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के रूप में बिल और बिलिंडा फाउंडेशन प्राप्त करती है। जे जे थॉमसन को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि पियरे क्यूरी को जो है रेडियोधर्मिता की खोज के लिए 1903 में मिला था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले चीनी कौन थे? तो मुआन थे। प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र के स्विजरेट रिक्सबैक पुरस्कार किसे? तो अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया, स्मृति में दिया जाता, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, ये चीज़ याद। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। रसायन विज्ञान को 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले विश्व के एकमात्र भारतीय फ्रेडरिक सेंगर हैं, जिनको 2 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं साथियों। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप बताओगे कौन सा? भारत रत्न है। वही स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे? तो सी वी रमन को दिया गया था। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक था जिसे भारत रत्न से सम्मान किया, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है दिया गया। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से किसने भारत रत्न देने लेने से इनकार कर दिया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय इंदिरा गांधी हैं। महिला का पूछा जाए सवे जन्मदिन पर भारत रत्न मिला, तो डी के करबे को सवे जन्मदिन पर उनको भारत रत्न दिया गया था। ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है तो बताओगे भारत रत्न है। चलते हैं मरणोपरांत प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल भारत रत्न दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। चलते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले जिस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में विश्व सरमैया का जन्म जो है विश्व सरमैया के रूप में मनाया जाता है, पुलित्जर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले को दिया जाता है। चलते हैं भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुतलिंगर पुरस्कार दिया गया था? तो गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझदारी यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जिस वर्ष हुई थी 1961 में हुई थी। भालचंद नेमाडे भाषा क्षेत्र में किस? तो मराठी के क्षेत्र में जो है पुरस्कार मिला था इनको। प्रतिभा रे जो भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ उड़िया के भाषा के लिए दिया गया था। कवित्री विदुषी लेखिका इंदिरा
तो प्यारे साथियों, प्रतिभा रे को किस भाषा के लिए? तो ओडिया के लिए दिया गया था, जबकि कवित्री विदुषी, अच्छा इसके हो चुका है, हाँ ठीक ठीक ये पूरा यहाँ देखते हैं। फिर जिस भारतीय ने परिधान के डिजाइन के लिए जो है एकेडमी पुरस्कार, भानु अथैया ने जो एकेडमी पुरस्कार जीता था, ऑस्कर विजेता गांधी नाम की पुस्तक, गांधी नाम की फिल्म के जो है भूमिका, गांधी की भूमिका किसने, बेन किंग्सले ने जो है जीता था, ये ऑस्कर पुरस्कार में विजेता है। ए आर रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर की श्रेणी में ऑस्कर जीता, तो सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर को जीता था। गुलजार ने फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया था, तो सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए दिया गया था, मौलिक गीत मतलब मूल गीत, ओरिजिनल गीत। रेसिल पुकुट्टू ने फिल्म स्लम डॉग के मिलेनियर के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था। 92वें ऑस्कर पुरस्कार भारतीय चलचित्र में शामिल हो, तो गली बॉय को शामिल किया था 92वें ऑस्कर। प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? तो शुरू हुआ तो 1969 में शुरू, प्रतिष्ठित दादा साहब पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1969 आपको याद करके रखना है। पद्म विभूषण विश्वनाथ आनंद थे जिनको पहली बार मिला था। चलते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च न्यायालय पर पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। जैसे अक्षर कम हो रहा उसी तरह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। कर्णम मल्लेश्वरी पद्म श्री कब मिला? तो 1999 में मिला था। चलते हैं, नेट देखते, भारत में सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और सूचीबद्ध कर्मियों के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। चलते हैं, अशोक चक्र वर्ग थर्ड नाम से 1967 में बदलकर शौर्य चक्र कर दिया, पहले इसका नाम अशोक चक्र थर्ड था, अब 1967 से शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। को भारतीय विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के एस कृष्णन को दिया गया। चलते हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अरुंधति राय थी। सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस भारतीय को? तो आप बताओगे आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार पहली बार कब शुरू किया गया था, कब प्रदान किया गया? तो 1986 में प्रदान किया गया था। बी डी गोयन का पुरस्कार के निर्माण, तो नेक्स्ट है देखिए, बी डी गोयन का पुरस्कार के निर्माण के कारण को आगे बढ़ाने के में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को पहचान करने के लिए स्थापित किया गया, तो पता पत्रकारिता जो है पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान के लिए किया गया था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है, अब प्यारे साथियों ये आपको जो है आपको खुद स्क्रॉल करके वीडियो रोक के पढ़ना है, और उसके बाद हम मिलते हैं किसी एक धमाकेदार शानदार पीटी की फ्री आप कॉस्ट आपको क्लासेस दी जा रही हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और देखिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी इसको छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा, एक पेज मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और तो सब मैंने जो है आपको डिस्कस किया ही। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे साथियों।